हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 22 जुलाई 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के दिन की सबसे पहली अपडेट जो की हमें देखने को मिली है केएल राहुल की साइड से, जहां पर कल अचानक से ही सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे न्यूज हैंडल की साइड से ये चीज पब्लिश की गई है कि केएल राहुल को मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के द्वारा अपनी टीम से रिलीज दिया गया है। पहले भी केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच में काफी ज्यादा फाइट हुई थी और उसके बाद रिसेंटली अमित मिश्रा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम किसी भी हालत में केएल राहुल को अपनी टीम में रिटेन करने की तरफ नहीं देख रही है। और अब ऐसी ही अपडेट्स हैं कि एलएससी ने ऑलरेडी केएल राहुल को ऑफिशियली अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। उनको बता दिया गया है कि एलएससी की टीम उनको आगे एज अ प्लेयर भी अपनी टीम में नहीं देखना चाहती है, जिसके बाद ये रूमर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब केएल राहुल मोस्ट प्रोबेबली हमें आरसीबी या फिर पीबीकेएस जैसी टीमों में वापस जाते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे केएल राहुल के इन दोनों ही टीमों के या फिर कोई भी अपडेट निकल कर आती हो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जानने को मिल जाएगी, जहां पर सभी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई की साइड से, जहां पर रिटेंशन की प्रोसेस के लिए बीसीसीआई के द्वारा 30 और 31 जुलाई की तारीख को फाइनलाइज किया गया था और अब इन दोनों ही तारीख के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी ओनर्स को इन्विटेशन सेंड कर दिया है, जहां पर उन्होंने सभी आईपीएल के ओनर से रिक्वेस्ट की है कि 30 और 31 तारीख को बीसीसीआई के ऑफिस में आकर रिटेंशन के रूल्स के बारे में बातचीत करें और रिटेंशन के रूल्स को फाइनलाइज करें। ऐसे में हर एक टीम से 2 फ्रेंचाइज के लोगों को परमिशन दी गई है कि वो वहां पर आ सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी ओनर अपने साथ किसी एक स्ट्रेटेजिस्ट को भी लेकर आ सकता है जो कि रिटेंशन के रूल के बारे में उनके बिहाफ के ऊपर बात कर पाए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर की साइड से, जहां पर गौतम गंभीर ने जो कोचिंग का स्टाफ बीसीसीआई की टीम को रेकमेंड किया है उसमें हमें काफी सारे जो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स हैं वो देखने को मिले हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ में भी काफी ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं, जहां पर गंभीर ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स प्लेयर हैं और वो उनके मेंटोर भी रह चुके हैं। अभिषेक नायर की बात की जाए तो वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स प्लेयर रह चुके हैं और असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं। इसके साथ ही रयान डेंडोशेट के बारे में बात की जाए तो ये भी एक्स कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं और असिस्टेंट कोच हैं। मॉर्ने मॉर्गिल के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्स प्लेयर के तौर पर देखने को मिलते थे। तो एक तरीके से गौतम गंभीर ने जो डिमांड्स रखी है उनमें सारे के सारे प्लेयर्स ही हमें केकेआर की साइड से देखने को मिले हैं। कमेंट करके आप लोग बताना गौतम गंभीर के इन रिकमेंडेशंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से, जहां पर T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाकर सूर्यकुमार यादव भारत की टीम के नए कैप्टन बन चुके हैं और ऐसा कहा गया था कि इसमें रोहित शर्मा का काफी बड़ा हाथ था। और अब रिपोर्ट्स की मानी जाए तो भारतीय टीम के T20 कैप्टन से हटने के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी कोई भी लॉजिक या फिर रीजन नहीं बचा है कि वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कैप्टन बनाकर रखें। लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में एमआई का परफॉर्मेंस और ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट दोनों ही काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। इसके साथ ही अगर भारतीय टीम के पर्सपेक्टिव से भी बात की जाए तो मुंबई इंडियंस को शायद लगा हो कि हार्दिक भारत की टीम के फ्यूचर कैप्टन है, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब इनके पास भी कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता है कि क्यों ये हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन बनाकर रखेंगे। तो ऐसे में काफी हाई चांसेस आ जाते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम हमें सूर्यकुमार यादव को ही नया कैप्टन अपॉइंट करेगी। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से क्या एमआई की टीम को हार्दिक को हटाकर सूर्यकुमार यादव को नया कैप्टन अपॉइंट करना चाहिए या फिर आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो कि निकल कर आ रही है आरसीबी की टीम की साइड से। जिस तरीके से एलएसजी से केएल राहुल के निकलने की खबरें आ चुकी है, उसी तरीके से आरसीबी की साइड से भी सबसे पहले और सबसे बड़े प्लेयर के रिलीज होने की खबर आ चुकी है और ये है ग्लेन मैक्सवेल। दरअसल मैक्सवेल ने 2020-21 और 22-23 के सीजन में तो काफी अच्छा किया था, लेकिन जो 2024 का सीजन था वो इनका इतना खराब चला गया, उसके बाद इनका वर्ल्ड कप काफी खराब गया। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल वो पहले प्लेयर बन चुके हैं जिनको आरसीबी की टीम ने 100% अपनी टीम से रिलीज कर दिया है, जिसका मतलब ये ऑक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि आरसीबी वापस से इनको परचेज कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी की टीम के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। कमेंट करके आरसीबी के अगर आप लोग फैंस है तो बताना क्या आपके हिसाब से आरसीबी ने इनको रिलीज करके सही फैसला लिया है या फिर गलत। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल की नीलामी के रिगार्डिंग, जहां पर इस बार आईपीएल की नीलामी में हमें एक नया रूल इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाला है और इस रूल को कहा जा रहा है ऑक्शन बिड टाइम रूल। दरअसल पिछले बार हम देखते थे कि कई आईपीएल टीमें अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में इतनी बिजी हो जाती थी कि ऑक्शनीर को 3-4-5 मिनट का भी वेट करना पड़ता था और इसके चक्कर में ऑक्शन काफी ज्यादा अननेसेसरीली आगे बढ़ता था। तो ऐसे में बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि अगर ऑक्शन का टाइम थोड़ा सा कम कर दिया जाए, थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया जाए, तो इससे थोड़ा सा जो फन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइज को बहुत जल्दी टाइम
में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसी प्लेयर को लेना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर बिडिंग को बंद करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस बार जो हमें ऑक्शन बिडिंग टाइम देखने को मिलने वाला है, बीसीसीआई के अकॉर्डिंग इसको 90 सेकंड करने की प्लानिंग की जा रही है। अगर आपने 90 सेकंड के अंदर बिड नहीं की तो फिर काफी हाई चांसेस है कि आपकी बिड कैंसिल कर दी जाएगी और जो भी उस टाइम की हाईएस्ट बिड होगी उसी प्लेयर को उस डायरेक्ट टीम में आईपीएल फ्रेंचाइज में सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की आखिरी अपडेट, और ये अपडेट हमें देखने को मिली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर ऋषभ पंत हमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम से रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और सीएसके की साइड से हमने आपको ऑफर ऑलरेडी बताया था कि ये ऋषभ पंत को लेने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसके साथ ही सीएसके ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये ऋषभ पंत को कैप्टन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो बड़े भारत के प्लेयर होते हैं वो अक्सर ही चाहते हैं कि उनको कैप्टनसी दी जाए, लेकिन सीएसके ने बता दिया है कि ये इनको 15 करोड़ तो दे सकते हैं, परमानेंट विकेट कीपर भी बना सकते हैं, नंबर 4 पर भी खिला सकते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ही सीएसके की टीम के कैप्टन रहेंगे। तो ऐसे में ऑलरेडी इन्होंने अपनी कंडीशन ले आउट कर दी है। वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।